गुड मॉर्निंग क्लास टीचर जी, स्टूडेंट्स, आप मैंने कल क्या पढ़ाया था बेटा? हमने आपको नंबर्स नहीं पढ़ाए थे। नंबर्स में हम आपको 30 तक रीड करवा चुके हैं, राइट भी और आपने लर्न भी किया बेटा। उसमें करना कुछ नहीं है। देखिए नंबर्स में आपको सेम है, आपको पूरे 100 नंबर्स नेम में 10 स्पेलिंग लर्न कर लेंगे, 30 की, 20 की, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, क्योंकि बाकी आपकी स्पेलिंग सेम रहती है। जैसे हमने 21 की लाइन राइट की थी, 21 में हमने क्या किया था, पहले 20 की स्पेलिंग राइट की, फिर ओ एनिमल, फिर सभी ने 29 तक हमने 20 ही राइट किया, और उसके बाद नंबर्स ने 1 to 9 राइट कर दी, और लास्ट में हमने 30 स्पेलिंग लिख दी, राइट की थी कि नहीं की थी। वैसे ही आपको आज हम 31 to 40 नंबर से राइट कराएंगे, तो 30 की स्पेलिंग याद है, 30 की स्पेलिंग वही रहेगी, बाकी के नंबर वो एनिमल को हमारे चेंज होंगे, ठीक है? तो याद रखिएगा बेटा और समझिएगा। सबसे पहले हम नंबर से राइट करेंगे 31, 31 मतलब 31, फिर 32, ओके, फिर 33, 34, आपको मालूम है पहले नंबर को ऐड कर रहे हैं ताकि जब हम इनकी स्पेलिंग्स लिखें तो कोई मिस्टेक्स ना हो, ओके। फिर हम ऐड करेंगे 35, 36, 37, 38, and 40. देखिए बेटा हमने यहाँ पे काम पे कितनी राइट की है, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और उसके बाद 39, ओके। अब आपको मालूम है यहाँ पे कितने बॉक्सेस ड्रॉ किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, क्योंकि ये 11 क्योंकि 30 की स्पेलिंग सेम रहेगी, और जो 3 की स्पेलिंग है वो 5 नंबर की है,
आपको मालूम है ये बॉक्स क्यों बना रहे हैं बेटा, ताकि जब आप नोटबुक में ऐड करेंगे तो आपके नंबर इधर से उधर मिस नहीं होंगे, ओके, और प्रॉपर लगेंगे देखने में। ये देखिए हमने सारी लाइन्स यहाँ पे बना ली हैं बॉक्सेस, उनमें नंबर टाइप करेंगे, ओके। आप लोगों को ऐसे ही अपनी नोटबुक्स में नंबर भी बना गए, ओके बेटा। अब हम राइट करेंगे पहले 30 की स्पेलिंग, फिर ONE 1 की, ठीक है, राइट करेंगे यहाँ पे 30 फिर 90, टी एफ आई आर पी वाई एम आई एम ई, ओके बेटा 39। लास्ट में हमको जो स्पेलिंग सबसे ज्यादा याद करने के लिए जरूरी है वो है 40, क्योंकि 30 तो ऑलरेडी हमारी 1
40। ओके बेटा, तो आपको ये सारी स्पेलिंग्स अपनी नोटबुक्स में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में ऐड करनी है। आपकी जो बुक्स है मैथ की वो बॉक्स वाली है, तो जब भी आप नंबर राइट करेंगे तो नंबर्स को बॉक्सेस में टच